किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी खास जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा आसान हो सके। अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं काल मेघ की खेती के बारे में और इसके साथ ही बात होगी पेठा फल के प्रसंस्कृत उत्पाद की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में औषधीय पौधों की खेती वर्षों से की जाती है। औषधीय पौधे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में काफ़ी काम आते हैं। हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई बहन भी हैं जो कि औषधीय पौधों की खेती करके आज अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं काल मेघ की खेती के बारे में और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी हासिल की हमारी सहयोगी अदिति शर्मा ने। किसान भाइयों बहनों, औषधीय पौधों की जब बात आती है तो उसमें काल मेघ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। काल मेघ की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ खास बातों को ध्यान में रखें। क्या है वो खास बातें, आज हमारे कार्यक्रम के जरिए हम उसी के बारे में आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद गुजरात के औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय के वैज्ञानिक डॉक्टर मंजेश जी। स्वागत है डॉक्टर मंजेश, आपका बहुत बहुत इस कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाई और बहनों। तो डॉक्टर मंजेश, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी काल मेघ की अगर बात करें तो इसका क्या महत्व है और साथ ही साथ क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं इसके। जैसा काल मेघ एक औषधीय पौधा है, इसका वैज्ञानिक नाम है एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा से जाना जाता है और इसको जो फार्मर्स बोलते हैं इसको चिरायता करके नाम से भी बुलाते हैं। और ऐसा ये जो औषधीय पौधा है ये भारत में राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में इस खेती का करते हैं। जी बिल्कुल, अभी आपने बताया कि कहाँ कहाँ किसान इसको कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं, अब आप इसके उपयोग के बारे में भी जानकारी दें। अगर उपयोग का बात देखा जाए तो इसमें जैसा प्रॉपर्टी है एंटी जॉन्डिस है, एंटी पायरेटिक है, एंटी मलेरियल का इसमें जो प्रॉपर्टीज़ आती है और जो लिवर टॉनिक जैसा भी ये पौधे काम करते हैं। और जैसा देखा जाए तो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी ये काम आ जाती है। जी बिल्कुल, तो बहुत सारे औषधीय गुण इसमें मौजूद होते हैं जिसके चलते तमाम तरीकों की जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए ये जो पौधा है या फिर कहीं जो फसल है ये सक्षम होती है। बिल्कुल, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर हमारे किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारियाँ करने की ज़रूरत है। अगर इसका पौधा खेती करने के लिए तो इसका जलवायु का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ये ऐसा पौधे है कि ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल का पौधा है और कैसे भी इसको कौन सा भी वातावरण में भी डाल सकते हैं। जैसा हमको लगाना है तो जैसा मिट्टी जो बलुई मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है और जैसा देखना है कि जो इसमें पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा अच्छा जल निकास होने का ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। जी बिल्कुल, तो जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए और तापमान चाहे कोई भी हो उसमें ये सफलतापूर्वक लगाई जा सकती है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी इसकी किस्मों के बारे में। देखिए प्रजातियाँ जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाती हैं, तो कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जिनका चुनाव किया जा सकता है। इसमें दो रिलीज्ड वेराइटीज है, जैसा एक है सिमेप लखनऊ से रिलीज हुआ है, उसका नाम है सिम मेगा करके है, और एक है हमारा आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलीज हुआ है, वो है आनंद काल में गोन है। ये दोनों अच्छे वेराइटीज़ है, ये जो फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं और ये हम भी रेकमेंड करते हैं इसको। जी बिल्कुल, तो ये दो प्रजातियां हैं जिनका चुनाव आप कर सकते हैं अगर आपको काल में की खेती करनी है। बिल्कुल, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है नर्सरी प्रबंधन। जी हाँ, जब बात करते हैं नर्सरी को तैयार करने की तो कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ऐसा काल में का नर्सरी करने के लिए इसे मई मंथ में करना जरूरी पड़ती है। अगर एक हेक्टर के लिए आपको पौधा नर्सरी में लगाना है तो आपको 400 ग्राम का बीज का प्रमाण जरूरी होती है और ये जो 3 मीटर का 6 नर्सरी बेड प्रिपेयर करके उसमें आपको लाइन सोइंग करना जरूरी होता है। जैसा लाइन सोइंग कर दिया उसको मल्चिंग करना जरूरी होता है, उसका बाद करने के बाद उसको पानी देना होता है और पानी का होने के बाद जैसा 45 दिन होता है तब आपका जो सीडलिंग्स है वो रेडी हो जाता है। जैसा 8 से 10 सेंटीमीटर उसका हाइट होती है तभी इसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाते हैं। जी बिल्कुल, तो 400
40 से 45 दिनों में जो है इसकी पौध तैयार हो जाती है और उसके बाद जो हमारा खेत है उसमें हम रोपण कर सकते हैं। और अगर रोपण करना है तो सफलतापूर्वक करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जैसा मेन फील्ड में ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आपको मेन फील्ड प्रिपरेशन करने का ज़रूरत पड़ती है, जैसा दूसरी खेती करने के लिए कैसा करते हैं ऐसा इसको भी जैसा दो प्लोइंग करना ज़रूरत पड़ता है, प्लोइंग और टिलिंग करना ज़रूरत पड़ता है। उसका बाद इसको 15 टन तक इसको सड़ी हुई गोबर का खाद डालना पड़ता है, नहीं तो आपको जो वर्मी कंपोस्ट है उसका 2.5 टन तक इसको मिट्टी में मिलाई करना जरूरी होता है। और इसका स्पेसिंग होता है अंतर 30x15 सेंटीमीटर का अंतर में प्लांटिंग करना जरूरी होता है। जी बिल्कुल, तो जुताई कर लें उसके बाद सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाना बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, ताकि आपकी मिट्टी तैयार हो जाए रोपाई के लिए। और उसके बाद 30 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है इसकी बुआई या फिर कहीं रोपाई सफलतापूर्वक की जा सकती है। रोपाई कर ली हमारे किसानों ने, उसके बाद खाद प्रबंधन क्या कर सकते हैं? जैसे शुरुआत में तो सड़ी हुई गोबर की खाद हमने डाल दी, और क्या क्या खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसा देखा जाए तो इसमें रासायनिक फर्टिलाइजर्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर इसका जरूरत पड़ा तो भी आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम डाल सकते हैं। जैसा वो 100 kg पर हेक्टर ऑफ नाइट्रोजन और 75 kg पर हेक्टर ऑफ फॉस्फोरस एंड 75 kg पर हेक्टर ऑफ पोटेशियम डाल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि अगर ज़्यादा हमारे औषधीय पौधों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उनकी गुणवत्ता इससे प्रभावित हो सकती है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जैविक तरीकों को अपनाना चाहिए। अब बात करना चाहूँगी मैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में, तो जल की कितनी आवश्यकता होती है कालमेघ को? ऐसा ये जो पौधा है इसका जो पानी देने का इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जैसा ये एक हार्डी क्रॉप है और जैसा प्लांटिंग देखा जाए तो ये बारिश का टाइम में करते हैं, जैसा जून में प्लांटिंग करते हैं, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसा प्रोटेक्टिव इरीगेशन बोलते हैं वो 3 से 4 बार तक देना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो 3 से 4 बार तक हम पानी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है अगर हम कालमेघ की बात करते हैं तो। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसमें कोई रोग और बीमारी भी लग सकती है? जैसे देखा तो इतना रोग और बीमारी नहीं आती है। जैसा आपको धूमक का थोड़ा सा बहुत रहता है, ऐसा धूमक आपको फील्ड में अगर नोटिस में आया तो आप एक लाइट इरीगेशन किया तो, पानी दिया तो इसका कंट्रोल कर सकता है। जी बिल्कुल, हल्की सिंचाई से कीट और बीमारियों से भी बचाव किया जा सकता है। अब बात करना चाहूँगी मैं कि कितनी दिनों में हमारी जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है, और पहली कटाई कब करनी चाहिए? इसमें अगर कटाई का बात है तो 120 से 130 दिन में ये कटाई कर सकते हैं। जैसा वो 50% फ्लावरिंग में आता है जैसा एक पौधे, तभी ये रेडी हो जाता है कटाई के लिए। जैसा कटाई करने से पहले हमको ये याद रखना है कि 5 सेंटीमीटर जमीन से ऊपर वो हमको जो झड़ी को, वो जो पौधे को काटना होता है, और काटने का बाद इसको शेड ड्राइंग करना ज़रूरत होता है। जैसे शेड ड्राइंग करने के लिए आपको टार्पलिन शीट का ऊपर रख के ही करना है, जैसा मिट्टी में यहाँ नहीं डालना होता है। जी बिल्कुल, तो कटाई जो है 120 से 130 दिनों तक कर लेनी चाहिए, और कटाई जड़ से 5 सेंटीमीटर ऊपर ही करनी चाहिए, जिससे आगे भी इसका जो उत्पादन है वो सफलतापूर्वक लिया जा सके। अंत में आपसे बात करना चाहेंगे बाजारीकरण के बारे में। बाजारीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब बात आती है अच्छी आमदनी अर्जित करने की, तो बाजारीकरण के बारे में क्या कहेंगे कालमेघ के? जैसा अगर इसका यील्ड देखा जाए तो इसमें 1 हेक्टर में 2.5 से 4 टन तक इसका ड्राई हर्ब यील्ड आता है। ऐसा मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसमें से 15 से 30 रुपीस किलो मिलता है ड्राई हर्बेज के लिए, कभी कभी ऐसा लगभग 40-50 रुपीस पर केजी भी मिल जाते हैं इसमें। जी बिल्कुल, तो 40 से 50 किलोग्राम हमें मिल सकता है, रुपए अगर हम बात करते हैं तो प्रति किलो हमें मिल सकता है, और आप इसकी खेती अगर बेहतर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी आमदनी भी कमा ही पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर मंजेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने विशेषज्ञ से कालमेघ की खेती के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब,
खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए वाद संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। स्टैंड बाय स्टूडियो, रोल फॉर रिकॉर्डिंग। नमस्कार, हम करते हैं आपका स्वागत डीडी किसान की इस विशेष कृति में जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, आप में से बहुत से ऐसे किसान हैं जो कि पेठा फसल की खेती करते हैं, लेकिन उसको सीधा बाजार में बेचने के अलावा आप कौन कौन से उसके प्रसंस्कृत उत्पाद हैं जिन्हें बनाकर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, आइए आज के कार्यक्रम में आपको इसी के बारे में जानकारी दें। मिठाई में पेठा ना केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि इसके फायदे भी बहुत है। पेठा देश के कई अन्य राज्यों में बनाया जाता है, लेकिन जितना मशहूर आगरा का पेठा दुनिया में है उतना दूसरा और कोई नहीं। ताजमहल के अलावा अगर आगरा की कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो है यहाँ का लजीज पेठा। यही वजह है कि आगरा को ताज नगरी के साथ साथ पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ ताजमहल की तरह पेठे की भी विश्व स्तरीय पहचान है। वैसे तो ये मुख्य रूप से आगरा की मिठाई मानी जाती है, लेकिन स्वाद की वजह से ये पूरे देश में बनते हैं और इसे पसंद भी किया जाता है। ये एक ऐसी मिठाई है जिसे बनाने के लिए घी या तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता, बल्कि पेठा बनाने के लिए पेठे का फल अच्छा पका होना चाहिए। पेठे को ज्यादातर गर्मियों की मिठाई माना जाता है, लेकिन लोग इसे पूरे साल बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। ये ना केवल सस्ती होती है बल्कि स्वादिष्ट और सेहत के लिए लाभदायक भी है। पेठा, जैसे पेठा का नाम आते ही मुंह में पानी भर आता है, क्योंकि पेठा हमारे देश के सुप्रसिद्ध है। आगरा में तैयार किया जाता है और आगरा का जो पेठा है वो विश्व में पहले नंबर पर माना जाता है। तो किसान भाइयों, हम पेठा कैसे बनाएं, उसके बारे में क्या विधि प्रयोग करें, उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, जैसा आपको पता है कि हमारा देश फल और सब्जियों के उत्पादन में इस वक्त विश्व में दूसरे नंबर पर है। नए आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में लगभग 300 मीट्रिक टन फल और सब्जियां पैदा की जा रही हैं, लेकिन उसमें से 25-30% ही, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है थोड़ाई उपरांत क्षतिग्रस्त हो जाता है, लगभग 30%, 1/4 हिस्सा। इसको बचाने के लिए हमें कई तरीकों का उपयोग करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है मूल्यवर्धित उत्पाद करना। हम मूल्यवर्धित उत्पाद करने के बारे में आज सुप्रसिद्ध पेठा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पेठा ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण परिपक्व हो, पूरी तरह से तैयार हो। उस समय उसमें सफ़ेद सा रंग आता है,
उस पेठे को आप लीजिए, उसकी अच्छी तरह से छिलाई करें। छिलाई करने के बाद उसको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। टुकड़ों में काटने के बाद उससे जो बीज वगैरह है उसको निकाल लें, और बाद में उन बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में, मन चाहे आकार में, चाहे वो अंगूर का अंगूर जैसा हो, चाहे वो 2 से 2.5 इंच का हो, चाहे वो आयताकार हो या चकोर हो, इस तरह के टुकड़ों में काटें। जब आपने टुकड़ों में उनको काट लिया, उसके बाद उसको कांटे से आप उनको गोदाई करें, यानी कि कांटे के साथ उसमें छिद्र करें। उसके बाद लगभग यदि आपको 1 किलोग्राम पेठे के टुकड़े हैं तो उसके लिए आपको 700 ग्राम जो है चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, 2-4 दाने फिटकरी की ज़रूरत पड़ेगी और केबड़ा इसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन टुकड़ों को जो आपने मन चाहे आकार में काट लिए, उनको आप पहले सीधे सिंपल साधारण पानी में भिगोएं, साधारण पानी में रखें उनको लगभग आधा घंटा, और उसमें 2-4 दाने फिटकरी के डालें। जब इसको आधा घंटा आप रखेंगे तो फिटकरी के पानी में, तो उसके बाद उन टुकड़ों को धीरे से छलनी की सहायता से बाहर निकाल लें और उन्हें साफ पानी में धोएं। जब आप साफ पानी में धो करके उनको रखेंगे, उसके बाद आपको दूसरा एक बर्तन लेना है जिसको हम उसमें इस तरह से पानी डालना है ताकि उसमें सारे टुकड़े जो हैं वो समा जाएँ। इस तरह से उसमें पानी डालना है, और जब पानी डाल के उन टुकड़ों को उसके बीच में डालें, और उसको लगभग जब पानी उबलने लगे मान लो, तो उस समय उन टुकड़ों को उसमें डाल दीजिए। जब इसी तरह से उबलते हुए पानी में उन टुकड़ों को लगभग 4 मिनट तक रखें, और बाद में उन टुकड़ों को निकाल लें। जब उनको टुकड़ों को उसमें से निकाल लेंगे तो फिटकरी का उसका पानी जो है वो बाहर रहेगा, और उन टुकड़ों को फिर दोबारा साधारण थोड़े से पानी में डालना है, और उसमें जो है आपने चीनी की मात्रा, तो 1 किलोग्राम यदि आपके पास टुकड़े हैं तो उसको लगभग 700 ग्राम चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। उसको उसमें और अधिक पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी देर तक क्या होगा कि जो टुकड़ों का पानी होगा वो टुकड़ों का पानी धीरे धीरे चीनी को उसमें घुलता रहेगा, और जब जो चीनी घुलना शुरू हो जाए तो उस टाइम उसको आग के ऊपर रखें, आंच के ऊपर रखें, और उसको लगभग 4 से 5 मिनट तक उबालते रहें। उबालने के बाद उसको लगभग उस पानी में आधा घंटा रखने के बाद उन टुकड़ों को जो है उसी पानी में, उसी इसमें भिगोने में लगभग आप 6 से 7 घंटे रखें, या पूरी रात्रि की उसको रख सकते हैं। दूसरी रात सुबह जब वो सूखने को हो जाती है, जो चाशनी जैसी जो बन जाती है, जब वो सूखने को हो जाती है तो उन टुकड़ों को छलनी से निकाल करके खुली हवा में रखें या पंखे के नीचे रखें। आप उसको पंखे के नीचे यदि सुखाएंगे तो उसमें जो है आप लगभग 3 से 4 घंटे पंखे के नीचे सुखाते रहें। और यदि मान लो आपने जो वो पेठा है जिसको हम पेठा कहते हैं, यदि सूखा रखना है तो ठीक है, और यदि आपको उसको गीला रखना है तो उसको चाशनी में रखे रहें और किसी वर्तमान में उसको आप डाल सकते हैं। इसी दौरान यदि आप उसमें रंग डालना चाहे, जैसे आप देखेंगे आगरे में कई तरह का पेठा मिलता है, तो उसमें उसी तरह का आप उसमें रंग, जैसे आप गुलाबी रंग डालना चाहे, इसमें पीला रंग डालना चाहे या हल्का गुलाबी रंग डालना चाहे, तो उसी तरह का रंग भी उसमें डाल सकते हैं, और मनचाहा सुवास जिसको हम सुगंध कहते हैं वो भी उस टाइम डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप उस पेठे को वर्तमान में कई दिनों तक भंडारी रख सकते हैं, और जब आपका दिल करे तो उसको उसमें से निकाल करके धीरे धीरे अपने आप भी आप खा सकते हैं, और अपने मेहमानों को दोस्तों में भी उसको बांट सकते हैं। इस तरह से रखा हुआ पेठा 5 से 6 महीने तक आसानी से उसमें रह सकता है, और उसको आप सुरक्षित आपके भविष्य में उपयोग के लिए रख सकते हैं। अच्छा, ये जो मैंने विधि बताई ये तो पेठा बनाने की घरेलू स्तर पर है। यदि आपको अपने घर के लिए या अपने सगे संबंधियों के बीच इसको पेठा बनाना हो तो उसके बारे में विधि, लेकिन यदि आपको बड़े स्तर पर आपको एक उद्योग के रूप में इसको स्थापित करना है, तो जैसे मैंने मात्रा बताई 1 किलो के लिए मैंने बताई, तो उसी को आप जैसे 10 किलो 100 किलो करना है तो उसी तरह से 100 किलो पेठे के लिए आपको 70 किलो जो है कम से कम चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, और कम से कम 15 से 20 ग्राम फिटकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी हिसाब से आपको उसमें एसेंस या रंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको उद्योग के तौर पर स्थापित आपको कर सकते हैं, चाहे लघु स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर। जहाँ तक रही इसकी मार्केटिंग की व्यवस्था, तो इसको आप देखो, पेठे के जो उपभोक्ता हैं वो हमारे देश में बहुत हैं। आपको छोटे
जो हैं शहर हैं उसमें, बड़े शहरों में इसको आप मार्केट करते हैं, बेच सकते हैं और ढेर सारा इससे मुनाफा कर सकते हैं। मैं तो सुझाव दूंगा कि इसका उद्योग स्थापित करते आप अपने गांव की महिलाओं को, आपके युवा बेरोजगारों को आप अपने गांव में, अपने छोटे शहर में या बड़े शहर में आप उनको रोज़गार दे सकते हैं। और रोज़गार दे करके ना केवल आप अपना नाम बाकी अपने गाँव का, अपने शहर का या छोटे या बड़े शहर का आप नाम भी विश्व स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं, जैसा कि नाम हमारे आगरा का है। आगरा का नाम आप सभी जानते हैं कि विश्व में पेठा के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो अभी आपने पेठा फल के प्रसंस्कृत उत्पाद के बारे में जाना और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको काल मेघ की खेती के संबंध में भी तमाम खास जानकारियाँ दी। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। तो हमारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप नजर डालिए कृषि सलाह पर। नमस्कार। आमतौर पर किसान अपने खेतों से अनाज पैदा करते हैं, लेकिन तहसील फरीदपुर के गाँव नगला जसी के किसान पंडित सिपाही लाल खेती तो करते हैं, परंतु अनाज नहीं, गेहूं, सरसों, गन्ना, आलू और धान का बीज पैदा करने के लिए देश की नामचीन कंपनियां फसलों के हाइब्रिड और सामान्य किस्म का बीज उत्पादन करने का जिम्मा उन्हें देते हैं। और सिपाही लाल का कृषि उत्पाद आम किसानों के अनाज की अपेक्षा चौगुने दामों पर यही कंपनियाँ खरीद लेती हैं। इन्होंने नादेप कम्पोस्ट और गौमूत्र को अपना हथियार बनाया है, जिनकी मदद से पंडित सिपाही लाल फसल उत्पादन में होने वाले खर्च को आसानी से नियंत्रित कर फसल की अच्छी पैदावार प्राप्त कर लेते हैं। मैं सिपाही लाल, गांव नगला जसी, जिला बरेली। अब हम एक किसान ऐसे हैं जो हमारी रुचि बीज से ज़्यादा है। आलू, गन्ना, धान, सरसों, इनके बीज तैयार करते हैं, और हाईब्रिड और सामान्य दोनों तरीका के। तो अब आपको हाईब्रिड वाले बीज में हमें जो है कंपनी वाले मेल और फीमेल दो तरीका को बीज देते हैं, उनकी अलग अलग दो लाइनें लगती हैं, मेल की, छह फीमेल की। इस तरीका से तैयार करते हैं। रोगिंग तीन बार करने पड़ते हैं, दूसरी वैरायटी को कोई एक पौधा ना रहा है। फिर वहाँ में जो है हमें रस्सियों लगाने पड़ते हैं और जो ध्यान देने पड़ते हैं, मेल और फीमेल दोनों की बाल एक साथ निकलें, जो कि परागण हमें जो है मेल के फीमेल के लिए मिल जाए। तो बाऊ को हमें जो है ध्यान रखने पड़ते है। पैदावार जो है इनकी है अन्य जो पुराने बीज हैं उनसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और हम जो है नाडिप कंपोस्ट और बर्मी कंपोस्ट ये दोनों जो है बनाते हैं। नाडिप कंपोस्ट को पहले फसल को मलबा बा में बिछाई दी एक परत, दूसरी गोबर की, तीसरी जो है हरी चीज़ की, कोई हरी हम जलकुंभी ले आवें, हरी कोई चीज़ ले आवें, घास ले आवें, बाकी परत बनाए के और गोबर को घोल मिलाए के फिर बाय भिगाए दो, फिर दो इंच मिट्टी डाल दी। यही तरकीब से हमें आखिर तक ऊपर तक भराई करनी पड़ती है, छः परतें लगती हैं, छः लगाएं, नौ लगाएं, ऊपर तक भराई कर दी। फिर वो हमारी ये लगभग लगभग चार महीना 120 या 15 दिन में खाद बन के तैयार हो जाती है। आखिरी जुताई जब वो फसल बोन के टाइम पे उसे हम बखेर देते हैं, फसल की बुआई कर दी। इन साल एक हमने और रिसर्च करो, गौमूत्र इकट्ठो करो। गौमूत्र को एक टंकी 500 लीटर की पावर वाली ट्रैक्टर से चलने वाली और वहाँ में 50 लीटर मूत्र डालो, चार स्प्रे आलू में करे, एक दाना यूरिया की वहाँ में ज़रूरत ना पड़ी। बीमारी के लिए वहाँ में जो है हमने बावस्टीन और M45 थोड़ी डाल दी, जिससे को फंगस ना आवे। और यूरिया को काम जो है हमारे मूत्र ने कर दो, एक दाना यूरिया ना पड़ी, थोड़ी M45 और बावस्टीन मिलाओने भाई फंगस के। खेती में अपने अनुभव और नवीनतम तकनीक का सम्मिलित प्रयोग कर पंडित सिपाही लाल बरेली के प्रगतिशील किसान बन गए हैं और खेती के सिपाही के नाम से जाने जाते हैं।